हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीजी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सीलिंग फैन को किस प्रकार से चेक करते हैं और किस प्रकार से ये ख़राब होता है और कैसे नहीं चल रहा है। तो इसका दोस्तों देख सकते हैं, ये है सीलिंग पंखा और देख सकते हैं इसका जो कंपनी का नेम है दोस्तों ऑल आउट है और इसका स्विप है 1200 mm। दोस्तों देख सकते हैं ये सिंगल फेस का है, ये 220 वोल्टेज में चलता है दोस्तों। तो आज इसका हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि किस प्रकार से ये ख़राब है और क्यों नहीं चल रहा है, इसका ग्राहक जो है छोड़ के गया है दोस्तों। तो आज हम इसको चेक करके बताएंगे आप लोगों को क्या ख़राबी है और कैसे करने से ये चलेगा। और देख सकते हैं ये पूरा फ्री है, जाम वाम नहीं है। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों देख सकते हो, पहले इसे चेक करने के लिए हमें तो पहले सीरीज का ज़रूरत रहता है। तो आप पहले घर में सीरीज बोर्ड ज़रूर से बना लीजिए ताकि आप अच्छे से चेक कर पाएंगे सीलिंग फैन को। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देख सकते हैं इसमें ये हरा कलर का वायर है और एक ठो पीला कलर है और एक ठो लाल कलर है देख सकते हैं। और ये कंडेंसर का वायर है देख सकते हैं, दो ठो सफ़ेद वाला और ये दो ठो फेस न्यूट्रल वायर है जो सप्लाई वाला। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन को खोल लेते हैं दोस्तों हम लोग। देख सकते हैं मैं इसको खोल रहा हूँ। इसका देख सकते हैं नीचे साइड रेड वाला टाइट है, तो ये रेड वाला हमेशा कॉमन रहता है, हमेशा कॉमन ही रहता है, कोई कोई में अलग भी रहता है ज़्यादा, लेकिन हमेशा कलर कोड वाला रहता है किसी किसी पंखा का, किसी किसी का। तो देख सकते हैं ये इसमें से सीलिंग फैन से तीन वायर निकला है, एक रेड वाला, एक ग्रीन वाला और एक येलो वाला, तीन कलर का वायर निकला है। और ये दो देख सकते हैं 2.5 mm का कैपेसिटर लगा है। तो चलो इसको चेक करते हैं क्या ख़राबी है, कैसे होता है, क्या है। तो पहले हम चेक करने के लिए सीरीज़ का मदद लेते हैं, सीरीज़ बोर्ड का। और देख सकते हैं ये हमारा सीरीज़ है, ये दोनों का आपस में स्टार्ट करने से ये जो 100 वाट का बल्ब जल रहा है देख सकते हैं वो सीरीज़ बोर्ड है। तो ये रेड वाला कॉमन है, तो कॉमन से पहले हम ये हरा में देख सकते हैं टच कर रहा हूँ, ये लाल से हरा में टच कर रहा हूँ देख सकते हैं। लाल से हरा में टच करने से देख सकते हैं ये हमारा बाला जो बल्ब है कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, और ये भी लाल से पीला में भी टच करने से कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, और ये पीला से हरा में भी टच करने से कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है देख सकते हैं हमारा सीरीज। अगर ये सही रहता है तो दोस्तों ये जो हमारा सीरीज़ वाला बल्ब है जो अभी फुल ग्लो कर रहा है वो ड्रॉप करके जलता है एकदम जीरो टाइप से, जैसे कि जीरो बल्ब जलता है ना उस टाइप से। तो ये हमारा फुल ग्लो कर रहा है, तो ये अभी तो ये कंटिन्यूटी देखने के लिए है, तो अभी हम लोग इसमें कंटिन्यूटी देख रहे हैं, देख सकते हैं कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। और बॉडी साथ चेक करेंगे तो देख सकते हैं बॉडी भी नहीं दिखा रहा है। तो चलो अब इसको हम लोग खोल के देखते हैं अंदर से ये क्या हुआ है, अंदर से कुछ डैमेज हो गया है। अभी जला है कि नहीं जला है इसका फिक्स नहीं है, कहीं कहीं लीड से भी फाल्ट रहता है और कोई कोई ऐसे ही बन जाता है लीड से फाल्ट रहता है तो रिपेयरिंग करके। तो चलो इसको चेक करके देखते हैं। ये हमारा 10-11 का नट लगा रहता है, यानी कि 6 mm का ये नट लगा रहता है, नट बोल्ट उसको पहले खोल लेते हैं। ये हमारा नट बोल्ट को खोल लेते हैं पहले, उसके बाद हमारा ये कैपेसिटर वाला क्लैंप है उसको भी खोलना ज़रूरी है। ये देख सकते हैं कैपेसिटर क्लैंप है ये, और ये 2.5 mm का कैपेसिटर रहता है, लेकिन इसमें शायद ये ग्राहक 3-15 का लगा दिया है। देख सकते हैं दोस्तों 3-15 का कैपेसिटर हमेशा लगाने से क्या होता है, आप लोगों को पास से दिखा देता हूं। देख सकते हैं 3-15 का कैपेसिटर लगाने से जो है दोस्तों वोल्टेज ज़्यादा आता है, तो हमारा सीलिंग पंखा हमेशा जल ही जाता है ज़्यादा, अधिकतर तक ज़्यादा 3-15 का कैपेसिटर ना लगाएं, क्योंकि 2.5 mm में ही अच्छा चलता है पंखा और सही से वाइंडिंग रहेगा तो 2.5 mm में ही चलेगा, या उसका रोटर में फॉल्ट होगा तो स्पीड नहीं आएगा तो 3-15 का बदलना नहीं है, हमेशा 2.5 का ही लगाना है। तो इसका देख सकते हैं 3 स्क्रू रहता है, उसको मैंने बारीक बारीक खोल लिया है देख सकते हैं ये वाला, और ये अभी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है दोस्तों। तो हम इसको क्या करेंगे, हथौड़ी की मदद से हमारा जो ये शाफ्ट है उसको हल्का से मारेंगे देख सकते हैं। हल्का से मारने के बाद जो है दोस्तों मैं ये लीड को काट देता हूं, क्योंकि ये कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है तो ये कोई काम का नहीं है, तो मैं पहले काट दिया हूं। उसके बाद जो है देख सकते हैं ये पेचकस की मदद से ये खुल गया देख सकते हैं,
कुछ इस प्रकार से। और देख सकते हैं ये हमारा सीलिंग फैन का कुछ इस प्रकार से कंडीशन है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा भस्ट मार दिया है, जो लीड का कनेक्शन निकला रहते हैं वहाँ से। और ये हमारा जो ये रनिंग कॉल है बाहर वाला, और ये अंदर वाला स्टार्टिंग कॉल है। स्टार्टिंग कॉल को तो मारा नहीं है, ये भस्ट हुआ है, इस वजह से यहाँ पर इतना सारा जल गया है, भस्ट हुआ है इसलिए। और ये रनिंग कॉल हमारा जला है, उसके बाद भस्ट मारा है, तो ये भस्ट पूरा स्टार्टिंग को भी डैमेज करके सबको डैमेज कर दिया है। देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से जला है। तो चलो दोस्तों आज का हम वाइंडिंग करके लाएंगे, उसके बाद फिटिंग कैसे करते हैं उसको दिखाएंगे। अगर आपको वाइंडिंग के बारे में भी जानना है तो वाइंडिंग वाला वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो पहले आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। देख सकते हैं ये हमारा जो है सीलिंग फैन का मोटर जल गया है, तो इसको पूरा खोल लेते हैं। ये नीचे साइड पल्ला रहता है, इसमें भी बेयरिंग रहता है, तो ये हथौड़ी की मदद से हमें क्या करना है, धीरे ऐसे घुमा घुमा के करना है ताकि हमारा पल्ला जो है।